की पास्ता रेसिपी। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पास्ता बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पास्ता लिया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने पानी को पहले गर्म करना है, उसके बाद हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अगर पानी बॉईल होने लगे तब हम इसमें पास्ता डालेंगे। पास्ते को हमने 2 से 3 मिनट तक बॉईल करना है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे जिससे ये हमारा पास्ता चिपकेगा नहीं, एक दूसरे में अलग अलग रहेगा। हमारा पास्ता अब अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसे किसी बर्तन में छान लेंगे। उसके बाद हम इस पर थोड़ा पानी डालेंगे जिससे ये और अलग अलग दिखने लगेगा। अब हम इसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। उसके बाद हमने मीडियम साइज का प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है। इसे हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। प्याज को हम लाल करेंगे ब्राउनी कलर तक। उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड किया है। हमने टमाटर मीडियम साइज का 1 लिया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, अदरक डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे। हमने टमाटर को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था मीडियम साइज़ का। इसे पकाने के लिए हम इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस थोड़ा सा ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे। हमने टमाटर तो ऐड किया है, फिर भी हम टमाटो सॉस थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, इससे हमारा पास्ता और भी टेस्टी होगी। इसे हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। पक जाने पर हमने जो बॉइल पास्ता रखा है उसे डाल देंगे। देखिए कितना अलग अलग पास्ता दिख रहा है, एक दूसरे से चिपका नहीं है। इसी तरह हम 2 मिनट तक ऐसे ही मिला लेंगे। इस तरह अच्छी तरह से मसाले पास्ते में मिल जाएंगे। हम इसे बराबर चलाएंगे मीडियम फ्लेम पे। हमारा पास्ता बनकर रेडी हो गया है। आप भी अपने घर में बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए।